Now this is NTSC NMS reasoning part 18 based on analogy, but this is analogy detection. क्या भाई हमारी analogy detections, clear ना? इस केस में क्या होता है, हमारे पास questions के अंदर जो options दिए गए होते हैं उन options को check करना होता है कि वो किस group से belong करते होते हैं, किस group से वो belong कर रहे हैं, और उस group को check out करना होता है हमारे दिए गए options के अंदर, clear ना? तो उसको बोलते हैं एनालॉजी डिटेक्शन, यानी किस टाइप की एनालॉजी से रिलेट करते हैं उसको बोलते हैं एनालॉजी डिटेक्शन मेथड, क्लियर ना? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. चूज योर करेक्ट ऑप्शन. आंसर देते वक्त वीडियो को पॉज कर लें आप. चलिए ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्राउड. क्राउड एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन क्या है भाई, क्राउड शॉल टीम, और ऑप्शन क्या है भाई, इंडिविजुअल फिश वुमन, सॉरी फिश वुमन और ग्रुप. तो ये है भाई हमारे, इसके अंदर क्या है, जो क्राउड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, ग्रुप ऑफ प्यूपल्स. जो क्राउड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ऑफ प्यूपल्स. जो साउल है इट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ फिश, क्लियर ना, फिश के ग्रुप को. और टीम क्या होती है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ग्रुप में है. दोबारा ध्यान दें, क्राउड क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स. साउल क्या होता है, ग्रुप ऑफ फिश. टीम क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, क्लियर ना? तो ये सारे क्या है, ग्रुप है. तो इंडिविजुअल नहीं है, फिश नहीं है, वुमन नहीं है, ग्रुप है. तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी, क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ध्यान दें इसके अंदर क्या है, डूमा माजलिस एंड खुराल, और ऑप्शन हमारे क्या है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सिटी, करेंसी एंड मोनूमेंट्स, क्लियर ना? हमने जो दिए गए हैं ना, ये जो हमारे सामने सारे नाम है, ये क्या है, ऑल द नेम्स ऑफ पार्लियामेंट्स. डूमा क्या है, इज द पार्लियामेंट ऑफ रसिया. ये जो है ना पार्लियामेंट का नाम है, किसकी पार्लियामेंट का नाम है, रसिया की का. सिमिलरली जो ये हमारे मजलिस है, इट इज द पार्लियामेंट ऑफ ईरान, क्लियर ना? और लास्ट वन जो है, खुराल इज द पार्लियामेंट ऑफ मंगोलिया. ये किसकी पार्लियामेंट है, मंगोलिया की. तो ऑल ऑफ दीज आर द पार्लियामेंट्स, क्लियर ना? ये कहाँ की है भाई, रशिया पार्लियामेंट है, मजलिस या मैकलिस बोल देते हैं. इट इज द पार्लियामेंट ऑफ ईरान, मालदीव्स या मलेशिया, एंड खुराल इज द पार्लियामेंट ऑफ मंगोलिया. तो सारी सारी क्या है भाई, पार्लियामेंट्स. तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ए इज करेक्ट, क्लियर ना? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, लाइन टाइगर बियर चाइल्ड फॉन कब एंड फॉल. इसका ऑप्शन क्या होगा भाई, कब होगा. रीजन है, लाइन टाइगर और बियर तीनों के जो यंग वन एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कब. द यंग वन एनिमल्स ऑफ ऑल ऑफ दीज आर नोन एज कब, सी यू बी, क्लियर ना? तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर थर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. हमारे पास क्वेश्चन क्या भाई, राइस है, ब्रेली है एंड व्हीट है, क्या फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, क्रेल्स हैं, एग्रीकल्चर. तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्लियर ना, सी ई आर ई ए एल एस, ऑल आर द क्रेल्स, क्लियर ना? नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या भाई, हमारे पास फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, एथलीट्स हैं, इंडो है, गेम्स एक्वेटिक है. हमें पता है फुटबॉल, हॉकी और टेनिस तीनों क्या होते हैं भाई, गेम्स, ऑल ऑफ आर गेम्स. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का भी ऑप्शन नंबर सिक्स, सॉरी सी, क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स में, बीटल, ग्रास ऊपर एंड वास्प, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं भाई, इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं भाई हमारे,
बीटल, ग्रास ऊपर एंड वास्प, तो क्रिकेट, इंसेक्ट्स, पेस्टिसाइड्स, बटरफ्लाई, तो तीनों के तीनों क्या है हमारे इंसेक्ट्स हैं, क्या है, ऑल ऑफ आर इंसेक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या होगा भाई, बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या भाई, मदर, सिस्टर, डॉटर, हमें पता है मदर, सिस्टर और डॉटर है रिलेशन में, एज्ड फीमेल्स, फैमिली, तो तीनों तीनों क्या भाई फीमेल्स हैं, मदर भी फीमेल होती है, सिस्टर भी फीमेल होती है, डॉटर भी क्या होती है फीमेल होती है, तो ऑल ऑफ आर किससे रिलेट कर रहे हैं भाई, किस ग्रुप से रिलेट कर रहे हैं, फीमेल्स से, क्लियर ना, एनालॉजी डिटेक्शन रिलेट करता है ग्रुप से, कौन से ग्रुप से आप रिलेट कर रहे हो, तो ये किससे रिलेट कर रहे हैं भाई, फीमेल्स की, मदर, सिस्टर, डॉटर, ऑल आर क्या है फीमेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्या भाई इसके अंदर हमारे पास डॉक्टर, नर्स एंड कंपाउंडर, जो डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, सभी के सभी काम वर्क करते हैं भाई, ऑल ऑफ देम वर्क इन टू द हॉस्पिटल्स, क्योंकि डॉक्टर भी हॉस्पिटल में वर्क करता है, नर्स भी एंड कंपाउंडर भी, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ऑफिस है, शॉप है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज ऑल ऑफ देम वर्क इन हॉस्पिटल्स, क्लियर ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या ऑप्शन है भाई आपके पास, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वोल्गा, सिन एंड नील, क्लियर ना, तो ये जो हमारे नाम दे रखे हैं ये क्या माउंटेन्स हैं, रिफ्ट्स हैं, हिल्स हैं या रिवर्स हैं, तो आपको पता है नील क्या है, एक नदी है, रिवर है, तो ऑब्वियसली तीनों के तीनों क्या होंगे हमारी रिवर्स है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि वोल्गा, सिन और नील तीनों क्या है रिवर्स है, तो कौन से रिलेट कर रहे हैं भाई ये डी ऑप्शन से, कि ऑल ऑफ आर रिवर्स, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दे भाई, शर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शर्ट है, हैट है, कोट है, शर्ट, हैट और कोट, तो ड्रेस है, ट्राउजर्स है, यूनिफॉर्म है, टेलर है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपका ड्रेस और यूनिफॉर्म के अंदर, बट ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ आवर ड्रेस, ड्रेस के पार्ट होते हैं, दे डू नॉट काउंट इन टू द यूनिफॉर्म, क्लियर ना, किसके पार्ट है भाई ये, ऑल ऑफ आर द पार्ट्स ऑफ ड्रेस, शर्ट भी, हैट भी और कोट भी, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है हमारे पास, आंट, फ्लाई, बी, यानी आंट, फ्लाई और बी क्या है ये भाई, टर्माइट है, इंसेक्ट, क्या है भाई ये सारे इंसेक्ट्स हैं, ऑप्शन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इंसेक्ट, लिजार्ड या स्मॉल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इंसेक्ट, क्योंकि ऑल ऑफ आर इंसेक्ट्स, क्लियर, तो 11th का बी। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखे भाई, कांडला, प्रदीप और हल्दिया, ये सभी क्या है भाई, कांडला, प्रदीप और हल्दिया क्या है नेम्स हैं, किसके नेम है भाई ये, सीज के, ग्राउंड्स के, पोर्ट्स के, इंडस्ट्री, किसके नेम है भाई ये, पोर्ट्स के नेम है, ऑल ऑफ आर द नेम ऑफ पोर्ट्स, क्लियर भाई, ये जो हमारे पोर्ट टाउन होते हैं उनके नाम दे रखे, ऑल द गिवन नेम्स आर पोर्ट टाउन्स, कांडला, प्रदीप और हल्दिया, क्लियर ना, ऑल ऑफ आर द नेम्स ऑफ पोर्ट टाउन्स, तो पोर्ट्स ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन क्या है हमारे पास, प्लूटो, मरकरी, सैचुरन, सारे के सारे प्लूटो, मरकरी, सैचुरन क्या है प्लेनेट्स हैं, मार्स, अर्थ, जुपिटर प्लेनेट्स, तो ऑप्शन क्या जाएगा भाई, डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि सारे के सारे क्या हमारे पास प्लेनेट्स, ऑल ऑफ आर द प्लेनेट्स।
नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फोर्टीन क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, तीनों क्या है भाई, फ्यूल्स है, तो कोल, फ्यूल, फायरवर्क और इंजन, क्योंकि तीनों क्या है भाई, ऑल ऑफ आर फ्यूल्स, कौन से ग्रुप से भाई, फ्यूल्स से। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या भाई, हैट, टर्बन, कैप, तीनों की तीनों चीजें क्या होती हैं, हेड पे यानी सिर पे पहनी जाती है, हैट भी, टर्बन भी, कैप भी, ऑल ऑफ आर द हेड वियर्स, क्लियर ना, सिर पे पहनने वाली चीजें होती हैं, तो ऑल ऑफ आर हेड वियर्स यानी फिंगर, लेग्स, हेड, नेक, तो क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या भाई, मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स एंड सीसीएम, ये क्या है, मस्टर्ड हमारी, ग्राउंड नट्स और सीसीएम क्या है, सारे के सारे क्या है, ऑयल सीड्स हैं, तो ऑल ऑफ आर ऑयल सीड्स, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्या भाई, अमिताभ, शाहरुख, आमिर, सारे के सारे क्या है, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और आमिर खान, ऑल ऑफ आर द बॉलीवुड एक्टर्स, तो ऑप्शन नंबर सी, सिंगर नहीं है, प्लेयर नहीं है, डांसर नहीं है, क्या भाई, बॉलीवुड एक्टर्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्या दे रखा भाई हमारे पास, रूम है, किचन है, बाथरूम है, रूम, किचन और बाथरूम, और सारी की सारी किसके अंदर पार्ट होते हैं भाई, ग्राउंड, रोड, ब्रिक और हाउस, किसके पार्ट होते हैं, ऑल ऑफ आर द पार्ट्स ऑफ हाउस, रूम भी, किचन भी, बाथरूम भी, सारे के सारे किसके पार्ट है भाई, ऑल ऑफ आर द पार्ट्स ऑफ हाउस। क्वेश्चन नंबर 19, क्या भाई हमारे पास क्वेश्चन, सिनेमा, प्रेस और टेलीविजन, यानी सिनेमा है, प्रेस है, टेलीविजन है, सारे के सारे क्या है, मास मीडिया है, हॉल, क्रिएटर, नन ऑफ दीज, मास मीडिया, ऑल ऑफ आर द मास मीडिया, क्लियर ना, सिनेमा हो चाहे प्रेस हो चाहे टेलीविजन हो, किससे रिलेट कर रहे हैं, ऑल आर द मीन्स ऑफ मास मीडिया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई इसके अंदर, मॉस्को, पेरिस और एथेंस क्या है, सिटीज हैं, एशिया है, कैपिटल्स हैं या कंट्रीज हैं, ध्यान दें, मॉस्को किसकी कैपिटल है भाई, वी नो दैट मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस एंड एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, यानी ग्रीस की कैपिटल क्या है, मॉस्को कैपिटल किसकी है भाई, रशिया की, पेरिस किसकी कैपिटल भाई, फ्रांस की, और एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, तो सारी सारी क्या हमारी कैपिटल्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन क्या जाएगा भाई, सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। चलिए हमारा लेक्चर फिनिश हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ विद न्यू क्वेश्चंस, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, थैंक यू।